तो मैं राजकी सर, मैं आज बताने जा रहा हूँ 9 इंची का दीवार मसाला बिछा के किस तरह दोस्तों चुनाई लगाया जाता है। तो मैं बहुत बढ़िया तरह से चुनाई लगाकर और वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नॉलेजफुल वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। इस तरीके से समझाया हूँ दोस्तों कि अगर कोई मिस्त्री सीख रहा है काम, अभी पूरा नहीं सीख पाया है, वो हमारा वीडियो देख के दोस्तों चुनाई लगा सकता है। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, मसाला दोस्तों थोड़ा गीला ही चाहिए इस प्रकार से, और ईंट भी गीला होना चाहिए दोस्तों। और इस प्रकार से दोस्तों मसाला रख लेना है दीवार पे इस प्रकार से। उसके बाद में इस प्रकार से ऐसे ऐसे इस प्रकार से बिछा लेना है दोस्तों अच्छी तरह से। उसके बाद दोस्तों ईंट देख लेना है, कोर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। वो यहाँ हम जहाँ हम ठेहा बांधेंगे यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे दोस्तों, और एक ईंट इस प्रकार से रख देंगे। और उसके बाद दोस्तों ये हमारा 4 फुट चुनाई हो चुका है, जैसे कि नीचे देख सकते हैं। अब इसके ऊपर नीचे से मैं एक ही ईंट से साहुल करके आया हूँ। अब नीचे यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से मेरे को देख लेना है, इस प्रकार से नीचे साल करके देख लेंगे पहले कि नीच में ऊपर वाला ईंट हमारा साल में है कि नहीं, तो हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। उस प्रकार से फिर ये जो हम ईंट लगाए हैं इस प्रकार से इसका साल कर लेना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इसी ईंट से पूरा ये हम चुनाई लगाते जाना है जहाँ तक हमारा चुनाई लगता जाए दोस्तों। बिल्कुल सीधा दीवार होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से जहाँ से हम साल किए हैं वहाँ से इस प्रकार से दोस्तों ईंट को मिला लेना है दोस्तों इस प्रकार से, जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल सीधा है हमारा। उसके बाद में इस प्रकार से दोस्तों बांध देंगे ठेहा को, और उसके बाद में दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों लगाते जाना है दोस्तों। दोस्तों बिल्कुल मसाला ही बिछाने में दोस्तों बारीकी है। उसके बाद में दोस्तों बाकी ये भी देख लेना है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा सूत में लगा हुआ है जब ईंट, तो ऊपर वाला भी ये सूत लगा हुआ है उसे मिला के लगाना है दोस्तों इस प्रकार से। इस प्रकार से दोस्तों लगाते जाना है। इस प्रकार से लगाते जाना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से मसाला भी छाते जाना है, आगे चुनाई लगाते जाना है दोस्तों इस प्रकार से। और जो ये नुकर होता है दोस्तों तो वहाँ पे थोड़ा इस प्रकार से बढ़िया से मसाला बिछाया जाता है, क्योंकि ईंटें रखेंगे तो ऊपर खबर ना हो। और जो मसाला बिछाना है दोस्तों बिल्कुल प्लेन बिछाना है इस तरह से, दोस्तों इस प्रकार से। दोस्तों उसके बाद में दोस्तों ये हमारा यहाँ तक चुनाई पहले लग चुका था, ये जो चीटा सफेद ईंटा दिख रहा है जो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस ईंट से हम पूरा नीचे साल करेंगे इस प्रकार से, तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद में जब ऊपर हम चुनाई लगाएंगे इसी ईंट से साल करते जाएंगे दोस्तों इस प्रकार से। 3 से 4 mm हर एक ईंट में गैप होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा चुनाई लग चुका दोस्तों। अब इसके ऊपर इस प्रकार से भरते जाना है दोस्तों इस प्रकार से, दोस्तों ये हमारा चुनाई लग गया इस प्रकार से दोस्तों।
तो दोस्तों पहले हम इस प्रकार से लगाए हुए थे, अब दूसरी बार किस तरह रादा बांधते हैं इसके ऊपर चुनाई लगाने के लिए, तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखें इस प्रकार से। इस प्रकार से दोस्तों मसाला बिछा लेना है, इस प्रकार से 9 इंच दीवार है तो पूरा ही 9 इंच मसाला बिछाएं इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों एक ईंट इस प्रकार रख देंगे दोस्तों, और ये जो हमारा जोड़ है इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से रख देना है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे रख दिए इस प्रकार से ईंट दोस्तों। उसके बाद में इस प्रकार से इसमें डेली डाल देना है दोस्तों, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से रख देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जहाँ से हम साल किए थे वहीं से फिर हम दोस्तों साल कर लेंगे इसमें, इस प्रकार से। तो साल में बिल्कुल हमारा सही है दोस्तों। तो उसके बाद जहाँ से हम साल किए थे इस प्रकार से, वहीं से इस प्रकार से दोस्तों सूता मिला लेना है इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से बांध देंगे दोस्तों, इस प्रकार से, इस प्रकार से मसाला भी साथ जाना है दोस्तों इस प्रकार से। और बिल्कुल सूता में मिला मिला के दोस्तों इस प्रकार से, बिल्कुल सूत में मिला मिला के इस प्रकार से ईंट रखते जाना है दोस्तों, इस प्रकार से।